नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर, बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। दिल्ली में कल यानी गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद इस पर जमकर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने हिंसा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि विवाद केवल गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ, वो भी तब जब किसानों को तय रूट पर जाने से मना किया गया, उसकी वजह से ये सारा झगड़ा हुआ। दिग्विजय ने दावा किया कि गिरफ्तार लोगों के पास से सरकारी कर्मचारी होने के कार्ड मिले। उन्होंने साफ आरोप लगाया कि शासन की ओर से हमला प्रायोजित था। दिग्विजय यहीं नहीं रुके, उन्होंने इस हमले में आरएसएस को भी घसीट लिया और कहा कि आंदोलन में न कोई खालिस्तानी था न कोई पाकिस्तानी था। अब इस पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि कल हिंसा करने वाले किसान नहीं बल्कि आतंकी थे। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह तो हमेशा से ही जवानों का मनोबल कमजोर करते आए हैं। पुलिस ने अब तक 200 उपद्रवियों को दिल्ली हिंसा के लिए हिरासत में लिया है। हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं पर 22 FIR अलग अलग थानों में दर्ज की जा चुकी है। पुलिस ने बताया कि डकैती और जानलेवा हमले की धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए हैं। 45 से ज्यादा जवान बुरी तरह जख्मी हुए हैं, तो ये स्थितियां हैं वहां पर। और दूसरी तरफ अब दिग्विजय सिंह आगे आए हैं, जो कि पहले भी अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने इसी तरीके का बयान दिया और सीधे केंद्र के द्वारा प्रायोजित हिंसा इसे बताया है। पहले आपको सुनवाते हैं दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा जो उज्जैन पहुंचे थे वो, और उज्जैन में मीडिया से बातचीत में दिग्विजय क्या बोले, आइए आपको सुनवाते हैं। जो वैचारिक मतभेद है भाजपा और संघ से यही है, वो लोग वैमनस्यता फैलाते हैं, हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, इसलिए हम उनका विरोध करते हैं। ये सुनियोजित प्रायोजित षड्यंत्र था एक शांतिपूर्ण आंदोलन का, उसको गलत रास्ते में दिखाने का। दिग्विजय सिंह जी दिव्य ज्ञानी है, ये हमें सबसे पहले से मालूम है। जिनको आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करना है, जिन्हें सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है, जिन्हें एयर स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देश के जवानों को हतोत्साहित करना है, जो इस तरह से पुलिस के साथ जो कल मारपीट हुई उसके बाद भी पुलिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उसके माध्यम से संपूर्ण पुलिस को हतोत्साहित कर रहे हैं, उन दिग्विजय सिंह के बयान पर टिप्पणी करना ही अपने आप में मुझे लगता है समय बर्बाद करना होगा। दिग्विजय सिंह पहले से केवल और केवल अराजकता फैलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो डर्टी पॉलिटिक्स। चले तो ये कहा विश्वास सारंग ने कि डर्टी पॉलिटिक्स है ये दिग्विजय सिंह की। बहरहाल इसी मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय आपसे करवाएंगे। बीजेपी की ओर से प्रवक्ता राकेश शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ गए। राकेश जी आपका स्वागत है। और हमारे साथ कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल साहब जुड़ गए हैं। पटेल साहब आपका स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे सुशील शर्मा जी। पहला कमेंट राकेश जी आपसे, दिग्विजय सिंह साफ कह रहे हैं कल की हिंसा प्रायोजित थी केंद्र सरकार की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से, अमित शाह की ओर से, ये तमाम आरोप लगाए दिग्विजय सिंह ने, क्या जवाब आपका? देखिए, हिंदुस्तान में अगर झूठों का सरदार का खिताब किसी को दिया जाए तो वो दिग्विजय सिंह जी को दिया जाए। हिंदुस्तान में सरताज किसी का ताज किसी को दिया जा सकता है तो वो दिग्विजय सिंह जी को दिया जा सकता है, पर गलती से कभी कभी झूठे भी सच बोल जाते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि ये जो हिंसा हुई है प्रायोजित हुई है तो ये कांग्रेस कार्यालय में बैठ के सीपीआई सीपीएम कार्यालय में बैठ के ये तय हुआ था कि पूरा देश अपनी सेना को सलूट कर रहा है, अपने सिपाहियों को सलूट कर रहा है, और ये सीपीआई और सीपीआईएम और कांग्रेस के नेता उन पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, उनके ऊपर हिंसा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ सत्ता की भूखी है, कांग्रेस को सिर्फ देश में सत्ता चाहिए। दुनिया जाए भाड़ में, देश जाए भाड़ में, जनता जाए भाड़ में, हमें कुछ नहीं पड़ी, हमें चाहिए सत्ता। ये जो दलाल हैं देश के दलाल, उनमें ये श्रोमणी हैं कुछ लोग कांग्रेस के नेता। आप देखिए कि देश में कोई भी हथियार पहले आता था उसमें दलाली सीधे कांग्रेस, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसा कोई महीना नहीं जाता था जब कोई ना कोई आरोप दलाली का या घूसखोरी का कांग्रेस के नेताओं पे नहीं लगता था। आज आतंकवाद की बात कर ली जाए, नक्सलवाद की बात कर ली जाए, कल की घटना पर आके जी, कल जो हिंसा हुई है क्या वाकई वो प्रायोजित थी? मैं खुद कह रहा हूँ ना, प्रायोजित थी, कांग्रेस और सीपीआई और सीपीएम द्वारा प्रायोजित हिंसा थी, जिससे ये
नेशनल चैनलों का, लेकिन वो तो नाम ले रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री का नाम ले रहे हैं, बीजेपी का नाम ले रहे हैं, आरएसएस का। देखिए मुझे लगता है कि एक देश में केजरीवाल था जिसका नाम माफी लाल रख दिया गया, उनने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है जिन लोगों पे आरोप लगाए थे और उनके पैर पकड़ के कहा कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। इसी तरह कांग्रेस के नेताओं की आदत हो गई है झूठ बोलना, लगातार झूठ बोलना और इतना झूठ बोलना कि अब जनता इनसे नफरत करती है। भोपाल की जनता ने सबक सिखाए ना दिग्विजय सिंह को, 3.5 लाख वोटों से दिग्विजय सिंह हारे हैं भोपाल, भोपाल शहर में। तो जिस व्यक्ति को जनता ने ठुकरा दिया, और कांग्रेस दिग्विजय सिंह कभी भी बयान देते हैं, आधे घंटे बाद कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता का बयान आ जाता है कि कांग्रेस पार्टी को इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, अच्छा। ये कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको उनकी पार्टी कोई विश्वास नहीं है, जिन पे उनके बारे में बात करके अपना समय बर्बाद करते हैं। मैं पटेल साहब का कमेंट लूंगा। पटेल साहब देखिए, कल जो हिंसा हुई वाकई उससे हर कोई शर्मसार हुआ कि गणतंत्र दिवस के दिन इतना सब कुछ। अब जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई केंद्रीय गृह मंत्री के गुंडे या लोग या इस तरीके की बातें की जानी चाहिए? जो देश की चुनी हुई सरकार है उनके गृह मंत्री को आप कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं कि उनके इशारे पर यह हिंसा हुई, क्या ये वाकई ठीक है? ये हिंसा करने वाले कौन लोग थे पटेल साहब? देखिए मुझे लगता है कि राकेश जी जिस तरह से बात को मोड़ रहे हैं वो चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। असली जो मुद्दा है कि जब दिल्ली के अंदर तय हुआ संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा कि हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और प्रदर्शन करेंगे, तिरंगा लगाकर एक निश्चित रास्ते पर हम निकलेंगे, आपको जान के ताज्जुब होगा कि लाखों लाख ट्रैक्टर कल दिल्ली की सड़कों पर सुबह से शाम तक रहे। यहाँ पर किसान आंदोलनरत है, एक तो सिंधु बॉर्डर, एक गाजीपुर, एक हमारा पलवल, पिछले लगभग 60 दिनों से ज्यादा एक भी गलती या एक भी घटना किसान संयुक्त मोर्चा या किसानों के द्वारा नहीं की गई है। कल की जो घटना घटी है उसके लिए निश्चित रूप से सरकार की विफलता है, एंड टाइम के ऊपर रास्ते को बदलने का काम किया और जिससे कुछ तत्व ऐसे घुसे जिनके ऊपर अब अन्वेषण जारी है। और आपने खुद ने कहा कि 200 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, आप देखिएगा कि उनमें कौन लोग हैं, कौन चढ़ा लाल किले की उस दीवार के ऊपर, किन लोगों ने ऐसा किया। तो ये सारे के सारे वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, और एक जो तथ्य निकल कर धीरे धीरे सामने आने लगा है वो इस तरह का है कि इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए और किसानों को बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें करके उस आंदोलन से जनता का ध्यान हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करना चाहती है। चलिए, मूल रूप से हमारा किसान अपनी मांगों को लेकर वो तीनों कानून को वापस लेने के लिए जो आंदोलनरत है वो उस मुद्दों के ऊपर सरकार अभी तक ध्यान नहीं दे रही है और वो अपनी जगह है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसमें राजनीति बीच में डाली गई है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के द्वारा कि कुछ ना कुछ ऐसा हो कि किसानों के इस आंदोलन के ऊपर कुछ असर पड़े, लेकिन मुझे लगता है कि इससे कोई असर पड़ेगा नहीं। दिल्ली की घटना निश्चित रूप से ऐसी घटना है कि जिसके लिए सरकार को खुद ही तय करना पड़ेगा कि इतना बड़ा विफलता है सरकार की तरफ से क्यों हो गई। ठीक है, तो ये राकेश जी आप जरूर जवाब दीजिएगा कि भाई ये इतनी बड़ी घटना कैसे हुई, क्यों हुई? लेकिन पहले सुशील जी का कमेंट हम ले लें। सुशील जी, कल जो दिल्ली में कुछ हुआ सबने देखा, अब कांग्रेस कह रही साहब बीजेपी प्रायोजित हिंसा थी, केंद्र सरकार प्रायोजित हिंसा थी, और बीजेपी का तो कहना ही साफ तौर पर कि खालिस्तानी घुस आए इसमें, पाकिस्तान के हैंडलर इस पूरे आंदोलन को हाईजेक करके और उसको अपने इशारे पर चला रहे हैं। बहरहाल आपका क्या मानना है, क्या वाकई इतना आसान होता है कि किसी आंदोलन में इस तरीके से हिंसा भड़का दी जाए, या फिर कल जो कुछ हुआ उस पर आपका कमेंट है और उस पर आज जो सियासत हो रही सुशील जी उस पर भी? जी नहीं, देखिए ये तो पहले से आशंका व्यक्त की जा रही थी कि गणतंत्र दिवस पर जब ट्रैक्टर परेड होगी तब कुछ ना कुछ बवाल हो सकता है, लेकिन इसमें दिल्ली पुलिस की सराहना करनी होगी कि किसानों द्वारा इतना उपद्रव मचाने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कोई जनहानि हो सकती। लेकिन इस मामले से ये भी स्पष्ट हो गया कि किसानों का आंदोलन जो है लगातार कहीं ना कहीं जो है कुछ लोगों द्वारा हाईजेक कथित रूप से किया जा रहा है, अन्यथा किसानों में इस तरीके की भावना नहीं रही कि अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और एक तिरंगे झंडे को हटाकर जो एक धर्म विशेष के झंडे को फहराना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं किसी और तत्वों द्वारा इस पूरे मामले को हाईजेक किए जाने की कोशिश की तरफ ध्यान दिलाता है। जी
नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं कि साहब तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लोग थे, उनके पास से सरकारी कार्ड मिले, पता नहीं जांच एजेंसी, खैर दिग्विजय जी की तो बहुत, हाँ दिग्विजय सिंह के पास अपने सोर्सेज होंगे, उनके पास हो सकता है कि गृह मंत्रालय से ज्यादा पुख्ता उनके पास सोर्सेज हो, पर बहरहाल ये जांच का विषय, अगर कोई नेता इतना बड़ा आरोप लगा रहा है और इतने मीडिया के सामने कह रहा है, तो इसकी जांच होना चाहिए कि वास्तव में कौन लोग इस पूरे मामले के पीछे थे। नहीं, उन्होंने तो 26/11 हमले पर भी सवाल उठाए थे कि साहब एक किताब का विमोचन हुआ था, RSS 26/11 हमले की साजिश, और उसके विमोचन में दिग्विजय सिंह भी पहुंचे थे, तो वो तो वो, या तो फिर ये भी माना जाए कि 26/11 हमले के पीछे पता नहीं कौन लोग थे, पाकिस्तान नहीं था, क्या ये इससे माना जाए सुशील जी? नहीं देखिए, दो चीजें हैं, अगर दिग्विजय सिंह को ये मालूम था कि ऐसा है तो उनको पहले गृह मंत्रालय को सूचना देनी चाहिए थी संबंध, लेकिन घटना होने के बाद जो ये बात कह रहे हैं तो इसकी जांच होना चाहिए। दिग्विजय सिंह जिम्मेदार नेता है, अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो इस वास्तविकता की जांच होना चाहिए, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि जिस तरीके की आशंका गृह मंत्रालय ने भी ये व्यक्त की थी कि इसमें जो अराजकता हो सकती है, हिंसा हो सकती है। ठीक है राकेश जी, क्या कहना है आपका? दिग्विजय सिंह अगर कह रहे हैं तो क्या नहीं पूरे मामले की पड़ताल होनी चाहिए? क्योंकि आज देखिए एक सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहा है कि साहब, वो कहा जा रहा है कथित तौर पर, पुष्टि हम नहीं करते, कि वो जो झंडा लगाने चढ़ा था पोल पर, उसके फोटो मोदी जी के साथ हैं, दूसरे नेताओं के साथ हैं, और उसी से जोड़ करके कांग्रेस ये आरोप लगा रही कि देखिए साहब ये हिंसा फैलाने वाले तो यही लोग थे। राकेश जी, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है दीपेश जी, जब कांग्रेस के भोले राजा, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे राजकुमार पटेल साहब हों, चाहे राहुल गांधी, ये भोले राजा हैं, ये बहुत भोले लोग हैं इस देश में, ये जनता को जो 70 साल से जिस जनता का शोषण करते आ रहे हैं, अब ये सोचते हैं कि हम वो उसी ट्रैक को दोबारा चला सकते हैं। मैं दो उदाहरण देना चाहूंगा आपको, बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आपने देखा चंद दिन पहले टिकेट साहब के बगल में एक आदमी को काला रुमाल बांध के बिठाया गया था और उसको कहा गया था कि ये शार्प शूटर है, ये किसानों की हत्या करने आया था, पर किसानों ने उसको पकड़ लिया। एक शार्प शूटर आता है और किसान उसको पकड़ लेते, उसके बाद वो दूसरे दिन वही शार्प शूटर का बयान सभी सोशल मीडिया पे आया कि किसानों ने मुझे पैसे दिए थे और जबरदस्ती मुझे बिठाया था कि आप ऐसा ऐसा बयान दीजिए। उसके बाद एक बयान किसानों की तरफ से आया था कि साहब हमारे वाहनों को पुलिस द्वारा तोड़े गए, उसी किसान का वाहन के सामने खड़े होकर दूसरे आदमी से तोड़वाते हुआ वीडियो वायरल हो गया। तो ये जो दो घटनाएं मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता के सामने रखना चाहता हूं। और तीसरी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं करना चाहता हूं, मोदी जी के साथ एक फोटो को वायरल किया जा रहा है, उस फोटो में वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो ना पगड़ी बांधे हुआ है ना कुछ बांधे हुए, और ये जो झंडे व्यक्ति है, सिख समाज में कहा जाता है कि जो एक बार पख बांध लेता है वो जीवन भर पख उतारता नहीं है। अब आप ये बताइए कि ये ऐसा काम चलेगा क्या, क्या झंडा उतारने के लिए पख बांधा जा रहा है और बेसब फोटो खिंचवाने के लिए पख नहीं बांधा जा रहा? ये जो दिग्विजय सिंह जी है, ये इनका 24 घंटे का एजेंडा है कि किस तरह से विवादित बातें की जाए जिससे टीवी पे दिखाई देने लगे, अखबार में छपा, ये जो छपास की भूख है ना बुढ़ापे में, क्या आदमी की छपास? अच्छा, नहीं खैर ये सब नहीं, तो ये जो दिग्विजय सिंह जी इस तरह की जो हरकतें करते हैं ये सिर्फ छपास की भूख है, और कांग्रेस पार्टी भी इसको बहुत अच्छी तरह जानती है और दिग्विजय सिंह जी को हिंदुस्तान की जनता भी अच्छी तरह जानती है। पटेल साहब, ये तो वाकई मानना पड़ेगा कि पता नहीं दिग्विजय सिंह जी के पास कोई तो ऐसी इनपुट एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है जो सबसे पहले उनको रिपोर्ट देती है, चाहे 26/11 का हमला हो या फिर कल। अब देखिए बाकी कांग्रेस का कोई नेता इस पर कुछ नहीं बोला, दिग्विजय सिंह जी आ जाते हैं साफ तौर पर कह देते कि देखिए साहब वो तो अमित शाह जी के लोग थे, फलाने जी के लोग थे, केंद्र सरकार। क्या जो जवान कल पिटे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, और कितने लोग हो सकते, क्या जो हजारों लाखों लोग थे सब केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित थे? आपको लगता है पटेल साहब ऐसा हो सकता है, ऐसी हिंसा प्रायोजित करवाई जा सकती है? मतलब कहने का मतलब ये कि आप खुद तस्वीरें देख रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं पुलिस वाले, उनको पिट रहे हैं, वो जान बचा करके भाग रहे हैं किसी तरीके से उनने, और पुलिस की वहां पर तारीफ करनी होगी, वो भी गृह मंत्री के अंडर में थी वो पुलिस, चाहते गृह मंत्री तो वहां पर कल पता नहीं क्या हो सकता था, अगर पुलिस अपने उस पर आ जाती एक्शन पर तो आप खुद अंदाजा लगा सकते वहां पर क्या नहीं हो सकता था। लेकिन ये चूंकि किसान मानकर ही केंद्र सरकार ने इस पूरे मुद्दे को हैंडल किया कि भाई ठीक है किसान है, इसमें खालिस्तानी घुसा है कि पाकिस्तानी घुसा है वो सब बाद में देख लेंगे, क्योंकि सबके फोटो हो गए कैमरे में कैद और उसी के आधार पर ये कार्रवाई भी होगी आगे की। लेकिन कल बड़ा संयम रखा पटेल साहब, और ऐसे में जो आज विश्वास सारंग कह रहे कि क्या जवानों का मनोबल गिराने वाला बयान नहीं है दिग्विजय सिंह जी का,
कि साहब ये प्रायोजित हिंसा थी। अब ऐसे में जो जवान कल अपनी जान जोखिम पर डालकर वहां पर ड्यूटी में मुस्तैद थे, तैनात थे, उन पर क्या असर पड़ेगा? पटेल साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बातों को पलटने में भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत एक्सपर्ट है। दिग्विजय सिंह जी ने जो कुछ कहा है, अगर आप उसको पूरा सुनेंगे तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे विश्वास जी हो चाहे राकेश जी हो इस तरह की बात करके विषय को बदले। मूल विषय जो है, जो कल दिल्ली में घटित हुआ उसके पीछे कौन लोग हैं? किसानों के आंदोलन में संलग्न सारे लोग कल रात तक लाखों लाख ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में रहे। कहीं कोई किसानों के द्वारा घटना नहीं घटी गई, घटी कहीं लूटपाट नहीं हुई। एक घटना जो लाल किले पर हुई उस कोई तिरंगा नहीं उतारा गया। ये जो कहा गया कि तिरंगा उतार के दूसरे झंडे लगाए गए, ये बात भी गलत बयानी इनकी है। जहाँ तक पुलिस की बात है, पुलिस को निश्चित रूप से हमको धन्यवाद देना चाहिए कि शांति से सब कुछ उन्होंने इसको मसले को, और कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। तो चाहे वो निर्भया कांड का आपने किया था, निर्भया कांड में और पार्लियामेंट घेर ली थी, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक किया था, पानी की बोछारे वहां चली थी। तो दिल्ली की एक अपनी तस्वीर है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने जो सवाल उठाए हैं वे कोई भी व्यक्ति के दूसरे, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि जिसके मैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस घटना को करते हैं। मूल विषय हमारा ये है कि जो किसानों की तीनों मांगे हैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं। लेकिन अगर ये देखिए हिंसा भड़की, अब आपको क्या लगता है पटेल साहब, नहीं लगता कि ये आंदोलन, भाई जब केंद्र सरकार ने कमेटी बना, सुप्रीम कोर्ट ने जब कमेटी बना दी, केंद्र सरकार 1.5 साल के लिए कानून टालने को तैयार है, नहीं लगता कि बैठ करके बातचीत होना चाहिए? इसमें किसका नुकसान हो रहा है? देखिए दिल्ली वासियों का नुकसान हो रहा है, उन किसानों का नुकसान हो रहा है। नेता तो देखिए मस्त हैं, सब अपने एसी बंगले बैठे, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे कोई हो, ठीक है ना, किसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किसको पड़ रहा है? किसानों को, जिनके नाम पर राजनीति हो रही है। कहने का मतलब है कि आग भड़काने की बजाय कि उस पर पानी डालने की कोशिश नहीं होनी चाहिए कि भाई ठीक है 1.5 साल के लिए अगर केंद्र सरकार कानून टालने को तैयार है, क्या राहुल गांधी जी को नहीं समझाना चाहिए कि भाई ठीक है अगर केंद्र सरकार पीछे हट रही है थोड़ा सा आप भी नरम हो जाइए? अब वो कह रहे हैं हम साहब 1 तारीख को हम संसद घेरेंगे, क्या ऐसे ही तमाशे होते रहने देना चाहिए? जी पटेल साहब, पटेल साहब का ऑडियो, जी पटेल साहब आप सुन रहे हैं? जी पटेल साहब बोलिए। हेलो, हाँ पटेल साहब बोलिए। दीपक कर रहे हैं? पटेल साहब आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करें। और सुशील जी एक सवाल यही आपसे कि भाई अब क्या होना चाहिए? अब दिल्ली पुलिस एक्शन लेगी, वो आंदोलन पता नहीं अब दिशाहीन हो चुका है, किसान नेताओं की कोई सुनने को तैयार नहीं है, ऐसे में क्या लग रहा है आपको? ये क्या वाकई केंद्र सरकार यही चाहती थी? जी जी सुशील जी बोलिए। नहीं दीपेश जी आवाज नहीं, फिर से क्वेश्चन कीजिए। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ सुशील जी कि क्या केंद्र सरकार जो आरोप लगा रहे हैं कि आंदोलन को कमजोर करना था इसलिए हिंसा हो गई, क्या वाकई आंदोलन कमजोर हो गया, दिशाहीन तो हो गया? ये तो मान रहे हैं हम कि अब कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं, किसान नेता क्या बिल्कुल स्वर बदल गए, कुछ भी बात कर रहे हैं वो कि नहीं अब आंदोलन चलेगा, हम आंदोलन की जिम्मेदारी लेते हैं लेकिन हिंसा की जिम्मेदारी नहीं लेते। अजीब गरीब बयान आ रहे हैं क्योंकि उनको खुद समझ नहीं पड़ रहा कि अब करना क्या है आगे। और ऐसी स्थिति में आपको क्या लग रहा है आगे क्या होना चाहिए, केंद्र की क्या भूमिका होनी चाहिए, किसान नेताओं की अब क्या भूमिका होनी चाहिए? नहीं देखिए, इस पूरे घटनाक्रम से ये बात तो स्वाभाविक है कि किसान आंदोलन कमजोर होगा, और खासकर वो किसान जो सिर्फ खेती किसानी से वास्ता रखते हैं और जिनको ये उपद्रव की उम्मीद नहीं थी, वो एक शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहते, वो इस पूरे घटनाक्रम से आहत होंगे। उनकी मांगे या उनकी आशंकाएं जो भी हो, लेकिन उन आशंकाओं का समाधान इस तरीके से उपद्रव करके अगर सरकार पर दबाव बनाने का था तो ये इससे जो है वो किसान आहत होंगे। और अब किसान आंदोलन और ज्यादा दिशाहीन होगा, अब उनको समझ में नहीं आएगा, अब विचार करेंगे वो लोग कि आखिर आज कैसे जो है इस पूरे मामले से भी जो निपटा जाए और दूसरी अपनी छवि भी बनाई रखी जाए। देखिए आज पूरे आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, तमाम मीडिया पे देख लीजिए, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन खासकर किसानों को लेकर एक नकारात्मक रवैया बन रहा है। अब उनमें तथाकथित कह लें या उपद्रवी कह लें या कोई राजनीतिक दल के लोग कह लें, लेकिन कुल मिला के इस पूरी पृष्ठभूमि में किसान आंदोलन ही था ना,
तो अब इस पर जो है किसानों को बैठकर फिर से निर्णय करना होगा, विचार करना होगा कि अगर किसानों की मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है या किसानों की वो मांगे जो सरकार नहीं मान रही है उसको हल कराने के लिए, उस पर वार्ता कराने के लिए, उस पर सरकार को मजबूर करने की और कौन सा कदम उठाया जाए। एक तो ये हो सकता है कि पूरे देश के किसानों को एकत्रित किया जाए। देखिए अभी सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान इस आंदोलन में शामिल हैं और बहुत पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, लेकिन बाकी पूरा देश के किसान जो है इस पूरे आंदोलन से अभी दूर हैं। या तो उन सबको जोड़कर एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जाए। मैसेज ये जाना चाहिए कि पूरे देश का किसान जो है इन कानूनों को लेकर जो है सरकार के खिलाफ है और सरकार से चाहता है कि ये कानून वापस लिया। बिल्कुल राकेश जी, क्या पढ़िए फिर, अगर ये किसान नहीं है चाहते इन कानूनों को, उनको वही अच्छा लगता है कि वही बिचौलियों के पास हम जाएं, वही हम कर्जे में डूबे रहे। हाँ ओ भैया, हाँ। जी 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 राकेश जी, तो ये नहीं लगता कि अगर किसान चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये आंदोलन वापस ले, ये जो कानून इनको वापस ले लिया जाए, तो फिर हमें लगता है कि ये वाकई केंद्र सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि अगर किसानों के, जो किसान खुद कह रहे कि हमारे लिए नुकसानदायक है, फिर केंद्र सरकार क्यों जिद पर अड़ी कि नहीं साहब कानून लागू करना है। राकेश जी देखिए, दीपेश जी मुझे तो बड़ा दुख होता है, आपके चैनल पे भी लगातार ये विषय चल रहा है और अन्य विशेषज्ञ जो है आपके वो भी बता रहे हैं। जैसे पंजाब हरियाणा के कुछ जिलों के कुछ लोग और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के कुछ लोग, ये पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्या? पूरे देश में अगर किसी चीज के लिए खुशी मनाई जा रही है, किसी पूरे देश में मांग की जा रही है कि ऐसे कानून बनाए जाए, सरकार ने वो कानून बनाया। पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए, मध्य प्रदेश में कहीं आपको आंदोलन का कोई स्वरूप दिखाई दे रहा है? तो कांग्रेस के नेता जब बयानबाजी करते हैं तो उन्हें भूल नहीं जाना चाहिए कि चार दिन पहले किस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने पुलिस पे भोपाल में पथराव किया। भोपाल में उसका फुटेज सभी जगह उपलब्ध है कि किस तरह से कांग्रेस के नेता पुलिस पे पथराव कर रहे हैं। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, आज केंद्र सरकार कह रही है कि हम डेढ़ साल के लिए इस कानून को शिथिल करते हैं, आप इस पर विचार कीजिए। डेढ़ साल का कितना लंबा पीरियड होता है दीपेश जी? मुझे आप बताइए, ये जो एक जिद पकड़ के बैठे ना, मैं एक बात पर, ये जो साइनबाग जो था ना, साइनबाग में जो लोग बैठे हुए थे वही के वही लोग अब ये किसान आंदोलन में आपको नजर आ रहे हैं चारों तरफ, वही आगे झंडा लिए हुए हैं, वही नौटंकी कर रहे हैं। अभी बंबई में एक किसानों की रैली निकली जिसमें पूरे के किसान बुर्का पहने हुए थे, पूरे किसान दाढ़ी वाले थे। तो ये क्या चल रहा है मुझे बताइए ना। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, प्रधानमंत्री को मारने के नारे लग रहे हैं। ये किसान आंदोलन है, आप इसको किसान आंदोलन का स्वरूप दे रहे हैं। लास्ट कमेंट पटेल साहब का हम ले लेते हैं। पटेल साहब, क्या आप मानेंगे कि ये पूरा आंदोलन अब दिशाहीन हो चुका है, भटक चुका है? देखिए, मैं आपसे बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं और आपकी चैनल के माध्यम से देश भी देखेगा, प्रदेश भी देख रहा है कि किसान आंदोलन कांग्रेस का या किसी दूसरे दलों का, राजनीतिक दलों का आंदोलन नहीं है, विशुद्ध रूप से किसानों का आंदोलन है जो किसान लोग चला रहे हैं। कांग्रेस समेत सारे के सारे अन्य विपक्षी दल किसानों के मांग में साथ में है, नंबर एक। नंबर दो, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कानून लेकर आई थी, सबसे पहले अगर इस कानून के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने राजनीतिक सहयोगी अकाली दल ने इस्तीफा देकर इसका विरोध किया था। तो ये कहना कि साहब इसके पीछे कोई और दूसरे लोग हैं, कोई नहीं, इसके नुकसान आज किसान समझ रहा है। किसान इसमें फिर मालिक से मजदूर बन जाएगा। कांग्रेस ने और देश ने मजदूर को मालिक बनाया है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जिद है, इसमें जिद में भारतीय जनता पार्टी को नहीं आना चाहिए। इसमें मेरिट के ऊपर उनको फिर से पुनर्विचार करना चाहिए, एमएसपी की बात इस पे जोड़ी जानी चाहिए। और ये जो बयानबाजी करते हैं चैनलों पर बैठ के, जरा यूपीए सरकार ने जो प्रस्ताव पास किए थे वो पढ़वाए जाए। शरद पवार ने जो पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था वो पत्र एक बार इनको पढ़वाया जाए, पूरी कांग्रेस पार्टी। और उसके बाद कपिल सिब्बल का बयान और आप यूट्यूब पे डालिए राजकुमार पटेल साहब, मुझे लगता है इस तरह आपका अकाली दल का सहयोग, आपका अकाली दल ने क्यों आपसे इस्तीफा दिया है? उन्होंने विरोध किया ना आपका, जिस तरीके से आप कानून लेकर आए उसका विरोध किया अकाली दल ने आपके। नहीं पटेल साहब बात यही तो है, यही तो राकेश जी कह रहे हैं कि केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों को क्या दिक्कत है? देखिए दिल्ली के नजदीक में अगर सबसे ज्यादा कोई है तो वो दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश ही सबसे नजदीक लगा हुआ है। भोपाल का आदमी कभी दिल्ली
दिल्ली नहीं जाता है, राजनाथ दाऊद का लोग जाता है, सब जगह अपनी अपनी जगह सब आंदोलन से और चारों तरफ किसानों की आवाज सही है। लेकिन ये दो स्टेट के किसान पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते हैं ना। बात तो बात ये पटेल साहब, ठीक है राकेश जी, हो गया समय समाप्त हो गया। पटेल साहब बात ये कि दो स्टेट के किसान पूरे देश का प्रतिनिधित्व तो नहीं करेंगे किसानों का, अगर या तो सुशील जी कह रहे कि या तो वाकई पूरे देश के किसानों को जोड़ा जाए और नहीं तो फिर वाकई बैठ करके समस्या का हल होना चाहिए। ये नहीं कि हम लाखों लोग दिल्ली में पहुंच जाए, हम दिल्ली वालों के क्या समझ रखा है, दिल्ली के लोगों को क्या ठीक से जीने का अधिकार नहीं है क्या कि जो प्रदर्शन करना दिल्ली पहुंच जाए साहब। हाँ मैं आपकी बात से सहमत हूँ और निश्चित रूप से सरकार को विचार करना चाहिए कि इसमें जितना नहीं, सरकार अगर 1.5 साल के लिए टालने को तैयार है तो विचार तो हमें लगता है किसान संगठनों को करना चाहिए। नहीं नहीं माफ करिए, सरकार ने नहीं टाला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको नहीं पटेल साहब आपको शायद जानकारी ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी कमेटी बनाई, नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी और उसके पास किसान जाना नहीं चाहते, केंद्र तो वहां के लिए भी तैयार है। उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सुनिए नरेंद्र सिंह तोमर ने ये कहा कि हम 1.5 साल के लिए 1.5 साल के लिए कानून टालने को तैयार हैं, 1.5 साल के लिए। 1.5 साल क्या, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है सर, आप पूरा बयान पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने ये कहा कि हम ज्यादा समय तक रोक नहीं लगा सकते हैं, ज्यादा समय तक रोक नहीं लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, वो कह रही कि जाएं कमेटी के पास अपनी बात रखें, किसान इसके लिए भी तैयार नहीं है, किसान आंदोलन करना चाहते हैं, किसान संसद घेरना चाहते हैं, क्या इससे हल निकल आएगा पटेल साहब? क्यों ना घेरे, एमएसपी की बात सरकार क्यों नहीं सुनना चाहती, क्यों नहीं करना चाहती, किसानों की लागत की बात क्यों नहीं करना चाहती, 84 रुपए लीटर डीजल हो गया क्यों नहीं सुनना चाहती, खाद इसमें गोली कौन खाएगा अगर वो संसद घेरने जाएंगे, लाठियां कौन खाएगा, गोलियां कौन खाएगा, ना राहुल गांधी खाएंगे ना राजकुमार पटेल जी खाएंगे, वो किसान गोली खाएगा और लाठी खाएगा। महंगाई का सबसे ज्यादा असर अगर किसी पे पड़ रहा है तो किसानों गरीब पे ही पड़ रहा है श्रीमान। नहीं संसद जाने के लिए उकसा तो सकते हैं किसानों को, लेकिन फिर जब वो दिशाहीन हो जाते हैं तो हम नहीं उकसा रहे हैं, कांग्रेस के इसमें कोई रूल नहीं है, हमारा समर्थन है और हम कांग्रेस समेत सारे विपक्ष के लोग किसानों की मांग को समर्थन कर रहे हैं। अब ये सरकार को तय करना, जो सरकार सही ज्यादा प्रदूषण होता है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी गोवा चले जाते हैं, आप ये देश की चिंता करने वाले नेता हैं। राहुल गांधी सोनिया गांधी जी का नाम लेकर आप आंदोलन को भटका नहीं सकते हैं, किसान आंदोलन की आवाज को सुनना पेट्रोल डालने के बाद राहुल गांधी विदेश यात्रा पे चले जाते हैं, ये कांग्रेस पार्टी को नहीं मालूम रहता। ठीक है चलिए समय समाप्त हो गया, राकेश जी शुक्रिया आपका, राजकुमार पटेल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बात रखी अपनी, सुशील जी आपका भी शुक्रिया, कुल मिलाकर के देखिए बयानबाजी और सियासत अब इस पूरे मुद्दे पर शुरू हो गई है। दिग्विजय सिंह ने जो जिस बात के लिए जाने आते उन्होंने राग छेड़ दिया है कि इसके पीछे बीजेपी और RSS और तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने इस हिंसा को प्रायोजित तरीके से वहां भड़काया और सब बातें, अब बीजेपी अपनी ओर से पलटवार कर रही है। लेकिन इस बीच किसान बड़ा कंफ्यूज है, करना क्या है, कैसे करना है, क्या वाकई अब 1 तारीख को संसद घेरना नहीं घेरना है, क्योंकि कल जो हुआ उससे हर कोई शर्मसार है, जो किसानों के साथ खड़े थे वो भी अब एक सोचने को मजबूर हो गए कि आखिर क्या वाकई किसान ही है या फिर किसानों की आड़ में देश के दुश्मनों ने, देशद्रोहियों ने इस पूरे आंदोलन को हाईजेक कर लिया है, जो पुलिस वालों को पीट रहे हैं, जो उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लाल किले पर पहुंच जा रहे हैं और देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आखिर ये कौन लोग हैं, क्या ऐसा तो नहीं वाकई विदेशी ताकतें अपने मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब हो गई कल और उसको और वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी। केंद्र सरकार को अब देखना यह है कि इस तरीके के हालात फिर ना बने और जो भी हो इस मुद्दे का हल निकाला जाना चाहिए, किसान नेताओं से बात करके, किसानों से बात करके, और जल्द से जल्द ताकि ये दिल्ली में जो कल हुआ वो वैसी तस्वीरें फिर देखने को ना मिले। बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही, आप देखते रहिए DNA News। नमस्कार।